हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम फिर से एक न्यू नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गए हैं। बचे हुए चावल का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इधर ये हमारी खिचड़ी बची हुई थी, बस वही ले ली है। अगर आपके पास सूखे वाले चावल बने हुए हैं तो वो ले सकते हैं। तो हमारे पास खिचड़ी थी इसलिए हमने खिचड़ी ले ली। अगर सूखे चावल हैं तो उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इस खिचड़ी को हमने ऐड कर दिया है मिक्सिंग बोल में। उसके बाद इसमें 4 चम्मच हमें बेसन ऐड करना है। तो इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो दरदरा पेस्ट पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, इसे निकाल लेंगे एक बोल में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी है और 1 चम्मच हमें ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। तो उसके बाद 1 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने छोटा था प्याज, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप इसमें सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं। तो ये नाश्ता और ही हेल्दी और टेस्टी हो जाएगा। तो 4 से 5 हरी मिर्च ऐड की हैं, तो इन्हें पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस प्याज का क्रंचनेस बना रहे बस उतना ही पकाना है, 2 मिनट तक। उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर को पकाने के बाद फ्रेश धनिया ऐड कर दिया है और इसे पका लेंगे 1 मिनट तक। धनिया का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था हमने खिचड़ी और बेसन का, उसे ऐड कर देंगे। तो अब इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। इसी तरह से हम चलाते हुए पका लेंगे। और कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं। तो सब्जियों को हमने मिला लिया है प्याज को। उसके बाद इसमें किया है चिली फ्लेक्स ऐड। तो चिली फ्लेक्स ऐड करने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। अब इसे पकाना है हमें 5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इतने में ही हमारा नाश्ता, ये बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है इसे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और हमारा नाश्ता इस तरह से पक गया है। अब इसे निकाल लेंगे। तो इधर हमने एक टिफ़िन ग्रीस करके पहले से ही रखा था। तो आप थाली में अगर इसे सेट करना चाहते हैं तो थाली में भी कर सकते हैं। तो अब इसे निकाल लिया है और इसे इस तरह से चम्मच से स्पैचुला से सेट कर देंगे। तो ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ठंडा हो जाए बस इतने में ही सेट हो जाता है। तो ये नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। ये देखिए फ्रेंड्स, फलटा है, बस निकल गया। अब इसे कट कर लेंगे। तो जिस तरह से आप कट करना चाहें, हमने इसे ट्रायंगल शेप में कट किया है। तो आप चौकोर शेप में कट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कट, और जब सेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मोटा सेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी सेट नहीं करना है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है नाश्ता। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो पैन हमने पहले से ही रखा था, उसमें ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो हमने सैलो फ्राई किया है इसे, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया था। इस तरह से सारा नाश्ता इसमें ऐड करने जितना भी इसमें आता है और इसे पका लेंगे। तो जब एक तरफ पक जाएगा तो उसके बाद हमें इसे पलटना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में तो इतना टेस्टी लगा था। तो एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आप इसे चटनी या सॉस या हरी चटनी किसी से भी खा सकते हैं, जिससे आपको खाना हो, जो भी आपको पसंद हो बस। तो ये नाश्ता हमारा सिक गया है। अब इसे निकाल लेंगे और प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना था, इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।